हेलो गाइस, वेलकम टू द कैंपिंग सूत्र। तो आज का दिन हमारे लिए और ये क्षण हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, और इस क्षण में हम इस बात की घोषणा करने जा रहे हैं कि कैंपिंग सूत्र का फ्री कैंपिंग ग्रुप बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। और हमें ये बताते हुए बहुत ही उत्साह की अनुभूति हो रही है, और हमारे सभी मित्रों को भी बड़े ही उत्साह की अनुभूति होगी, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं उनके साथ। और ये ग्रुप कैंपिंग शुरू होने वाली है 4 अप्रैल को, और 4 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक चलेगी। और इसके बारे में जो बाकी डिटेल हैं ये आपको मिसेस बताएंगी हमारी श्रीमती जी, कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, और कितने दिन किस किस जगह पर रुकने वाले हैं, सब कुछ डिस्क्लोज करने जा रहे हैं हम आज लोग, ताकि हमारे मित्रों में उत्साह जागे और वो हमको ज्वाइन कर सकें। जो जिसने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उनको भी पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं, और टाइमली वो हमारे साथ जुड़ सकें, और हमारा जो छोटू मोटू सा ग्रुप है वो और फैलता जाए और फूलता जाए। तो मित्रों, पूरी डिटेल बताने से पहले मैं आपको एक बात थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि यो वाला वीडियो देखने जो लोग भी आएंगे, जो हमारे दर्शक यो वाला वीडियो देख रहे होंगे, उनके मन में जिज्ञासा जागेगी कि हम लोग भी इनके साथ कैंपिंग करने जाएं। तो प्रिय मित्रों और प्रिय सब्सक्राइबरों, जो लोग अभी हम लोगों को देख रहे हो, इस ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, इसके एक रैपिड फायर राउंड मैं मार देता हूँ। वो रैपिड फायर राउंड ये है कि इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास इन द सेंस, जब भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले आपको, ये साला बीच में बोल पड़ता है एक मिनट, क्योंकि अभी हम लोग रोड पे खड़े हैं, काटना नहीं इसको, ठीक है, इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास। तो ग्रुप ज्वाइन करने वाले सदस्यों पर एक जिम्मेदारी आ जाएगी, वो ये है कि हम, फॉर एन एग्जाम्पल, कि हम ग्रुप में 20 लोग हैं, तो हम 20 के 20 लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी के ऊपर, एक के ऊपर, यानी सिर्फ चौधरी साहब को दबा मत देना, नीचे पंचर हो जाए चौधरी साहब। तो आप सब लोग मिल के अपने अपने एरियाज में जो भी लोकेशंस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे ग्रुप के अंदर, जिससे हर मेंबर ये डिसाइड कर पाए कि आज हमने कहाँ जाना है, यानी सबके सजेशंस से लोकेशन डिसाइड होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो हमारे कई मित्र उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में जो रह रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा, मित्रों उत्तर प्रदेश में एक जगह है और वो बहुत फेमस है, यहाँ पर जंगल हैं, ऐसा वैसा जो भी है, तो वो लोकेशन बहुत है, कृपया करके आप यहाँ आ जाइए, और यहाँ की जिम्मेदारी मेरी है। तो यानी कि एक जो जगह है उसका नियोजन हो गया, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल को मुझे पता है। इसी प्रकार जो दूसरी साइट्स के लोग होंगे उनको अपनी जगह का पता होगा, तो वो हमको सजेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम और हमारे अलग अलग टाइप के जो साथी हैं वो उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। यानी लोकेशन ऐसे फाइंड आउट की जाएगी, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, जैसे डिजिटल लैंग्वेज में कहते हैं, कोई थर्ड पार्टी ऐप या कोई थर्ड पार्टी हमारे लिए कोई भी नियोजन नहीं करेगी, क्योंकि आप जानते हो अगर वो नियोजन करेगी देन दे विल आस्क फॉर मनी, और हमने पैसा नहीं देना है, इसीलिए हम मिलजुल के खुद लोकेशन ढूंढेंगे। पॉइंट टू, यहाँ पर जो भी यूट्यूबर्स ज्वाइन करेंगे वो ग्रुप में कोई भी लिंक नहीं शेयर कर सकते, ठीक है, कोई भी लिंक और किसी तरीके की पब्लिसिटी ग्रुप में बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगी, ये व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद यूट्यूबर्स जो ऑन द स्पॉट जब हम कैंपिंग कर रहे होंगे वहाँ पर जो मौजूद होंगे, वो अगर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो उनको एक रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो बनाने से पहले एटलीस्ट सारे कैंपर्स जो वहाँ पे बैठे हैं उनको एक बार ये बता दें कि सर हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, ताकि भाई कोई कच्चे बनियान में घूम रहा हो ऐसे बगैर पूछे कैमरा लेके घुस जाओ अंदर, कम से कम उनको इतना मौका दो कि वो अपने थोड़ा हुलिया सुधार लें। हर बंदा कैमरे के सामने ब्यूटीफुल दिखना चाहता है, तो यूट्यूबर्स ये बात को समझें, जैसे हम लोग सज धज के आके वीडियो बनाते हैं ना, तो हमारे कैंपर साथी भी जो होंगे सुबह से उठ रहे होंगे, कोई ब्रश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप लेके हेलो गाइस वेलकम टू द व्लॉग ऐसे घुस जाओगे अंदर तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी, उनकी प्राइवेसी खराब होती है, तो कृपया उनसे पूछ के बीच में घुसें, ठीक है। और बाकी आई डोंट थिंक कोई मेजर पॉइंट है, मेजर पॉइंट ये है कि अब जो भी रिक्वेस्ट आएंगी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, कैंपिंग ग्रुप को, उसको आपने कोई ना कोई वेरिफिकेशन आईडी देनी पड़ेगी आपको, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, कोई भी जहां पर आपका नाम, एटलीस्ट नाम और आपकी फ़ोटो हो, और बाकी डिजिट्स, कोई भी डिजिट्स दिए होते हैं उनको आप छुपाना चाहते हो छुपा सकते हो, मुझे नाम और आपकी फ़ोटो, ये चीज़ वहां पर चाहिए होगी। और ये इसलिए चाहिए होगी कि हम नहीं चाहते कि हमारे ग्रुप में कोई उद्दंड टाइप का बंदा घुस जाए जो हमारे ग्रुप के माहौल को ख़राब कर दे। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है उसका, तो बंदे के अंदर भी एक डर रहता है कि भाई इनके पास एक डॉक्यूमेंट है हमारा, एंड वी कैन गो अगेंस्ट हिम
कोई ज्यादा उठपटांग हरकत करेगा तो सीधे जाके बंदे की कंप्लेंट कर सकते हैं। जब हमारे पास कुछ हो गया ही नहीं तो हम कंप्लेंट काहे की करेंगे। भाई आपने जैसे देखा मैंने कैसे रील बनाई है बोल बोल के, क्योंकि टाइम मेरे पास कम था, तो अभी मेरे थोड़ा सांस फूल गया है, तो अभी ये अपनी श्रीमती जी को देते हैं। ये आपको थोड़ी सी जो लोकेशन है उनके बारे में बताना पसंद करेंगी, आई थिंक चेष्टा करना बताने की, तो आप जल्दी जल्दी अपनी चेष्टा को एक रूप दीजिए। So, लोकेशन बताने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि ये जितनी लोकेशन हमने डिसाइड की है दे आर ऑल इन उत्तराखंड। एक मिनट, तुमने ज्यादा सीरियस नहीं ले लिया इस पाइप के ऊपर बैठने वाली बात को? कंफर्टेबल है भाई, जा रही हो? कंफर्टेबल है, चलो अच्छी तरह से जाने से ट्रिप पे जाने से पहले ज्यादा अच्छी तरह से टेस्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया। जिसको नहीं पता है ये हमारा वाटर टैंक है। तो मतलब आपको लोकेशन बताने से पहले चौधरी जी ने पहले मुझे बीच में टोक दिया था, क्योंकि बहुत गंदी आदत है। दोबारा बोलो, हमारा सब कुछ रॉ है। बोलो दोबारा। तो हमारा जो ये ट्रिप है ये कम्प्लीटली उत्तराखंड का है। अब हमारा जो ट्रिप करने का स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम ये नहीं करते कि उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, भाई इतना टाइम किसी के पास नहीं है, क्योंकि अभी हमारे साथ नए नए बंदे जुड़े हैं, अगर उनको पूरा इधर उधर घुमाएंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अभी पहली जो ट्रिप है हम लोग थोड़ी सी मतलब हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे अपनी आने वाली ट्रिप में भी कि जो भी ट्रिप की जाए वो एक पर्टिकुलर स्टेट की की जाए, क्योंकि इंडिया के जितने भी स्टेट है वो बहुत बड़े बड़े हैं, पूरा एक्सप्लोर करेंगे। कुछ है तो एक पर्टिकुलर स्टेट को एक्सप्लोर करने के बाद हम अगले स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट भी हम लोग पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, स्टेट भी बहुत बड़े होते हैं। हम लोग जो मेन ऑफ बीट लोकेशंस होंगी वो हम लोगों ने लिए हैं, और वो सारी कौन सी हैं आपको श्रीमती जी बताने जा रही हैं, बताइए। हम शुरुआत करेंगे, हमारी जो लोकेशन है दैट विल बी फर्स्ट लोकेशन विल बी काला डुंगी। ये कहाँ पड़ती है? काला डुंगी नैनीताल से ऊपर पड़ती है, नैनीताल के साइड में पड़ती है, इनफैक्ट नियर बाय नैनीताल है, ऊपर नहीं है नीचे, वो नियर बाय नैनीताल है। तो नैनीताल वहां से लोकेशन स्टार्ट करने का हमारा रीजन ये था क्योंकि जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं सबके लिए वो एक कॉमन पॉइंट बन रहा है कि एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल कमिंग हियर, स्टार्टिंग पॉइंट है जब पहाड़ के ऊपर आप चढ़ते हो। तो वहां पे जाके हम करेंगे अपनी पहली फ्री ओवर लैंडिंग 2023 की मीट। मीट वहां पे सारे सदस्य मीट अप पहली बार जब मिलेंगे वो वाली जगह है काला डुंगी। हाँ, काला डुंगी से हम आगे जाएंगे नैनीताल, ठीक है, नैनीताल एक्सप्लोर करेंगे। दो नैनीताल इज अ वेरी क्राउडेड प्लेस, लेकिन उसमें भी हमें बहुत सारी ऐसी लोकेशन, नैनीताल मींस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, राइट, के अंदर ही है सब कुछ। हाँ, तो उसमें भी बहुत सी ऐसी ऑफ बीट लोकेशंस हैं जो आज तक किसी ने शायद सुनी भी ना हो, आई डोंट नो, या मे बी हो सकता है एक्सप्लोर की होगी, हम पहले नहीं है। तो नैनीताल से विल टेक अ रूट टू पंगोट, क्योंकि पंगोट में जो ऑफ बीट लोकेशन है, तगड़ी ऑफ बीट लोकेशन, और जो हिमालयन व्यू वहां दिखता है ना, इट्स अ व्यू टू डाई फॉर, कि मतलब जबरदस्त है। हम लोग पूरी लाइफ टाइम में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना वैसा व्यू देखने के लिए, उसको कभी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो जगह कवर अप करने के बाद, वैसे हम लोगों ने लोकेशन गलत चुन ली ना, ये रोड के किनारे, राइट, बहुत आवाज आ रही है, ट्रैफिक आ रहा है, चलो बोलो बोलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वहां से हम लोग जाएंगे गुग्गू खाम, इट्स अ स्मॉल विलेज, ठीक है, बिल्कुल ऊपर है, वहां से जो वैली का व्यू आता है वो बहुत अच्छा है, और ये नियर बाय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, मतलब ये लगा लो जहां पे हम लोगों ने नाइट कैंपिंग की थी ना, कि गुग्गू खाम नीचे ऊपर जंगल, ऊपर से कोई टपक के नीचे आ गया वो आपकी किस्मत है, ठीक है। दैट वॉज जस्ट अ जोक, ऐसा कुछ नहीं है, हम वहाँ पे एक नाइट स्पेंड करके आ चुके हैं, तो ऐसा कोई भी सिक्योरिटी का इशू नहीं है, गांव वाले रहते हैं वहाँ पे, भाई 20 बंदे होंगे हम कम से कम। हाँ, और इतने फ्रेंडली गांव वाले हैं ना, हम आपको बता नहीं सकते, उन्होंने तो हमें, एक लड़के ने, एक दो बंदों ने हमें नंबर भी दिया था कि भाई सर आपको अगर ज़रूरत पड़े ना तो हम यहीं नीचे रहते हैं, हमें फ़ोन कर लेना, आधी रात को भी हम आ जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, वेरी हेल्पिंग पीपल। उसके बाद की जो लोकेशन है वो मैंने मोबाइल में लिख रखी है, क्योंकि इतनी सारी लोकेशन मुझे याद नहीं रहेंगी, है सारी नियर बाई, ऐसा नहीं है कि हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए 100 किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे, राइट, मैक्सिमम आई थिंक एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने के लिए हम 25 से 30 किलोमीटर कवर करेंगे बस, राइट। उसके बाद हम नैनीताल को छोड़ते हुए हम लोग जाएंगे भीमताल, क्योंकि वो नियर बाय, इन्हीं लोकेशन के नियर बाय बहुत दूर नहीं है। भीमताल में जो लेक्स है ना गाइज, वो ऑलमोस्ट पूरी ऑफ बीट लोकेशन है, नचकुया ताल हो गई, गौर ताल हो गई, सात ताल हो गई, ये बिल्कुल ऑफ बीट लोकेशन है, शहर से दूर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंगे ऑल टुगेदर डिफरेंट रूट, विल गो टू लोहाघाट, ठीक है। वहाँ से वो थोड़ा मतलब लाइक अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर का हमारा फर्क है, विल गो टू लोहाघाट, इट्स अ वेरी गुड एंड नाइस प्लेस टू एक्सप्लोर, पहाड़ों के बीच में जो स्टेप्स वाली है ना बुग्याल्स, वो बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे वो वाले बुग्याल्स में एक्सप्लोर करें उनको, क्योंकि हमने कभी आज तक किया नहीं। उसके बाद हम लोग अगली लोकेशन पकड़ेंगे एज यूजुअल, हमारी बहुत अच्छी हॉन्टेड वाली प्लेस,
क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने और जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने भी कहा था कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उस चीज को। तो हमने कहा व्हाई नॉट, हम तो हमेशा ही एडवेंचर के लिए तैयार रहते हैं। तो वहां से हम जाएंगे एबट माउंट, और एबट माउंट से हम लोग जाएंगे पिथौरागढ़। वो मतलब मैंने ये सुना है पिथौरागढ़ में जो घर बने हुए हैं, होटल्स बने हैं, वो रंग बिरंगा है। जैसे पता नहीं, आई डोंट नो वो कौन सी जगह है, ग्रीस आई सुपोज, जहाँ पे अलग अलग कलर के घर रंगे हुए हैं। तो वो जो एक व्यू फोटोज में दिखता अच्छा है, तो हम वो अपनी रियल आंखों से देखना चाहेंगे। एंड पिथौरागढ़ से अगर ग्रुप मेंबर्स कहीं आगे जाना चाहें तो वो उनकी मर्जी है, और वो जाना चाहते हैं। मैं अभी बता दूं, मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि आगे आगे लोग जाना चाहते हैं, बट हम लोग ये ऑन द स्पॉट डिसाइड करने वाले हैं। अभी तक जो कुछ भी फाइनलाइज हुआ है वो हम लोगों ने आपको बता दिया है। तो जो लोग भी हमको रास्ते में भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। हम किसी से भी एक भी सेंट, एक भी पेनी, एक भी पैसा, एक भी ढाका, बांग्लादेश में क्या चलता है टका, किसी तरीके की करेंसी का एक भी क्वाइन हमको नहीं चाहिए। जब मर्जी आइए, आप ज्वाइन करिए, किसी भी लोकेशन से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, जितनी हमने बताई हैं। तो चाहे एक दिन के लिए या पूरी ट्रिप के लिए, वो आपकी मर्जी है। तो आई एम रियली एक्साइटेड। तो कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ फेमस यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी शायद हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो थोड़ा मजा आ जाएगा, थोड़े बहुत व्लॉग बन जाएंगे 4-5। तो लोगों को ज़्यादातर नॉलेज मिलेगी कैंपिंग सूत्र ग्रुप फ्री है या नहीं है, क्योंकि इसको लेके भी बहुत कंट्रोवर्सी है। इसके भी सबूत जल्दी आने वाले हैं कि फ्री कितना फ्री है ये वाला जो हमारा पहला मीट होगा और पहली कैंपिंग, ग्रुप कैंपिंग होगी। दैट वुड बी अ लेसन फॉर ऑल दोज पीपल हु वॉन्ट टू कम टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एडवेंचर, कि भाई हाँ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस चीज के लिए। ये उनके लिए एक एग्जाम्पल होगा कि जो प्रूव करेगा कि हाँ आप कैंपिंग किसी भी उम्र में कर सकते हो और किसी भी बजट में कर सकते हो। और आज मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूँ जो मैंने आज तक नहीं कही। क्या? ठीक है? क्या वो बात ये है कि प्लीज कृपया जितने भी लोग कैंपिंग में हैं, स्पेशली ग्रुप्स, रात गई बात गई, मेरी कही बात का अगर आपको बुरा लगा तो लगने दो, ठीक है। सलाह देना चाहता हूँ, प्लीज कैंपिंग को इतना अफोर्डेबल कर दो, आप लोग भी इतना अफोर्डेबल कर दो कि हर कॉमन आदमी कैंपिंग कर सके। आप हो सके तो आप लोग प्लीज हेल्प करें कैंपिंग को। जो ज्वाइनिंग फीस है उसको आई डोंट नो, मैं कमेंट करने वाला कोई नहीं होता, उसको फ्री, चलो मैंने फ्री कह दिया, अफोर्डेबल तो करो। अगर कोई और ग्रुप है जो फ्री नहीं कर सकता तो आप मिनिमम कर दो उसको, जिससे कि सारे लोग कैंपिंग कर सकें। बहुत है दुनिया भाई, जब से मैंने इसमें बहुत है दुनिया जो कैंपिंग करना चाहती है। हमें ये पता है कि ये ग्रुप जब से हमने बनाया है, जो जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं दे आर क्वाइट एजुकेटेड पीपल, वो अपनी फील्ड्स में अलग अलग फील्ड से लोग निकल के आ रहे हैं। एवरीबडी हैव देयर नॉलेज, एवरीबडी हैव देयर कनेक्शंस, जिसके थ्रू इस ट्रिप को हम फ्री कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। बिल्कुल कर सकते हैं। हर बंदे का हर फील्ड में कनेक्शन हो तो वो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके इस चीज को एक सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है गाइस, सब कुछ पॉसिबल। तो आई होप कि सबको ये बात समझ में आएगी, और हमारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, और जो अदर ग्रुप्स हैं उनको सबको ये बात समझ में आई होगी। हो सकता हो किसी की कोई कंडीशन हो, फ्री नहीं कर सकता, ठीक है फ्री नहीं कर सकता, तो उसको एटलीस्ट रिक्वेस्ट की इतना मिनिमल कर दो कि एटलीस्ट जो जिसे कहते हैं ना एक कॉमन क्लास, कॉमन के जो बिलो कॉमन क्लास है ना, बिलो मिडिल क्लास, वहाँ तक एक बार इसको पहुँचा दो, फिर बड़ा मजा आने वाला है। आपको इंडिया में भी अब्रॉड वाली चीजें दिखेंगी, हर बंदे के पास कैंपिंग वैन होगी, मजा आ जाएगा। कॉमन कॉमन आदमी की अगर ये डिमांड होगी ना तो गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर के सीरियस होगी, वो भी उस तरह के हमें सहूलियत देगी जो हम अफोर्डेबल भी हो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है। और एक बात और रही यार, आई डोंट मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं करता पैसे को लेकर, मैं ये नहीं ब्लेम करता, आपके यूट्यूब चैनल्स हैं ठीक है, आप स्पॉन्सरशिप से पैसे कमा लो ठीक है, बट पब्लिक
को वो करने दो, पब्लिक को मतलब थोड़ा अफोर्डेबल कर दो जिससे सब लोग ये बात कर पाएं। और हम जैसे यूट्यूबर्स हैं, हम लोग कभी तरक्की कर जाते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता है, ठीक है, अगर कर जाएंगे तो हम तो स्पॉन्सरशिप से पैसे कमा सकते हैं ना, तो एटलीस्ट जो पब्लिक है उसको झूठ बोल के हम लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, हासिल होगा नहीं, करना नहीं चाहिए, वो अच्छा भी नहीं लगता। पैसे कमाने का जब आपके पास एक ऑप्शन ऑलरेडी है तो ऐसा कुछ करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को अभी भी बुरा लग रहा है, कई लोग होते हैं जिनको बुरा लगता ही रहता है अभी भी बुरा लग रहा है, तो भाई इट्स योर ओन टेंशन, माफ़ी तो मैं नहीं मांगता, किसी से नहीं मांगता, एक ही बंदा है जिससे मैंने आज तक माफ़ी मांगी है, वो है ऊपर वाला, बस उससे डेली मांगता हूँ, बस दैट्स इट। सलाह ही देते हैं, किसी को अच्छी लग जाती है किसी को बुरी लग जाती है।